अस्सलामु डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। स्टूडेंट्स, आप जब लोग डॉक्टर पे जाते हैं और आपका गला ख़राब होता है, तो जो डॉक्टर होता है वो अपने हाथ के अंदर कुछ इस किस्म की डिवाइस लेके आप लोगों के गले को एग्जामिन करता है। वो ऑब्जर्व करता है उस आपका जो थ्रॉट है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। या फर्ज करें आपके दादा बू उनकी उम्र ज़्यादा है, तो वो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए अपने हाथ के अंदर एक डिवाइस पकड़ते हैं, न्यूज़पेपर और अपने दरमियान उस डिवाइस को रख कर न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। या फ़र्ज़ करें आप कभी वॉच मेकर को कभी आपने देखा हो, तो वॉच मेकर घड़ी के सर्किट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑप्टिकल डिवाइस अपनी आँख पर लगाता है या ऑप्टिकल डिवाइस अपने हाथ में पकड़ के वो घड़ी के सर्किट को ऑब्जर्व करता है। ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती हैं। सर, सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? बच्चों, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, रोशनी की रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप। यूजेस मैंने आपको बता दिए, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं, वॉच मेकर इसका इस्तेमाल करते हैं, बुक रीडिंग करने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, ये होता क्या सर? बच्चों, एक सिंपल सिंगल कन्वेक्स लेंस जो होता है, उस सिंगल कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर फर्ज करें ये आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सिंगल कन्वेक्स लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं इसकी मदद से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से इस ऑब्जेक्ट जिसका साइज या हाइट हुआ है उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सर रखेंगे कहाँ? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू मच इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस विद इन द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप है, कन्वेक्स लेंस है, इस ऑब्जेक्ट को आपने इसके फोकस के अंदर रखना है, ठीक है? इसको बोलते हैं विद इन द फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन द फोकल पॉइंट या फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जो शर्त है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंट है, यही जो शर्त है टेलीस्कोप के अंदर मुख्तलिफ है। तो ये शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा। अब जो होगा ये कि जो ऑब्जेक्ट है इससे एक लाइट रे जाएगी, ये जो ब्लैक में मैंने आपको दिखाई है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और लेंस में से गुजरने के बाद फोकस से पास करेगी। एक और लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। आप देखेंगे ये दोनों लाइट रेज आगे की तरफ को जाते हुए, फर्ज करें यहाँ पर मेरी आँख है, मेरी आँख पर ये नहीं मिलेंगी। और आप देखेंगे ये दोनों रेज आगे जाते हुए कि डाइवर्ज हो रही है, इनका दरमियानी फासला बढ़ता चला जा रहा है, ये दरमियानी फासला बढ़ता चला जा रहा है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो मेरी आँख है, ये मेरी आँख, मेरी आँख को लगेगा ये कि दोनों की दोनों लाइट रेज अगर मैं इनको बैक एक्सटेंड करूँगा तो मेरी आंख को लगेगा कि दोनों की दोनों लाइट रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन जाएगा। और वो इमेज कैसा होगा? एक वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसको इमेजिन कर लेता है। ऐसा इमेजिन क्यों करता है? वो इसलिए इमेजिन करता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको जब आँख से सिग्नल मिलता है कि ये जो लाइट की रेज आ रही हैं, हमारी आँख को लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेता है कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेज होगा, और उस एज्यूम्ड इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है सर जी, ये इमेज बन गया। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इमेज की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसका मतलब इमेज सीधा होगा। इमेज की नेचर क्या होगी सर? पहली बात, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज बड़ा बन रहा है, इसलिए इसको मैग्नीफाइड या इनलार्ज इमेज बोलेंगे। दूसरी बात, इरेक्ट है सर। इरेक्ट मतलब, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा,
जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पड़ा था इमेज भी उसी डायरेक्शन में बना है। तीसरी बात वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों सर? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, लेकिन इनको बैक एक्सटेंड करने पर हमारी आंख को लगता है कि रोशनी यहां से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके हो गया सर। सर इस इमेज को क्लियर देखना चाहते हैं तो इस इमेज को कितने फासले पर एडजस्ट करें? तो बच्चों आप एक काम करो, अगर आप इस इमेज को क्लियर देखना चाहते हो, इमेज के फासले को क्यों बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को, अगर आप इसको क्लियर देखना चाहते हो तो इसको डी पर एडजस्ट करो। डी का मतलब सर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट या इमेज आपको बिल्कुल शार्प इमेज देता है। अच्छा जी, तो ये इमेज की पोजिशन है। अब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्नीफाई भी कर लिया हमने, लेकिन सर कितनी मैग्नीफिकेशन हुई है, इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो हमने ड्राइव करना है। डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। बच्चों मैग्नीफिकेशन के ना हमारे पास मल्टीपल रिलेशन थे, एक मैंने ये लिखा था लीनियर मैग्नीफिकेशन को साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक दो फॉर्मूले ये लिखे थे हमने। हमने कहा था इन फॉर्मूलाज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अमूमन जो आपको पता इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है, और रेटिना के ऊपर इमेज बनती है तो रेटिना के ऊपर जाकर इमेज का साइज लेना, रेटिना से इमेज का फासला लेना एक बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं एक और मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, और वो थी क्या सर, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, दैट वॉज द रेशियो ऑफ बीटा टू अल्फा। अल्फा क्या था सर? फर्ज करें ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपनी आंख के सामने रखना है। अभी आपने कोई सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं की, अभी आपने इसको अपनी आंख के सामने रखना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको पता है कि इसको कितने फासले पर रखूंगा तो ये मेरी आंख पर एक शार्प इमेज बनाए, वो आपको पता है डी फासला है। डी फासला मतलब 25 सेंटीमीटर के ऊपर इसको मैं रखूंगा तो मेरी आंख के ऊपर एक शार्प इमेज बनाएगा ये। तो आपने क्या करना है, अल्फा नोट करना है। सर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ऑब्जेक्ट एंगल। ऑब्जेक्ट एंगल मतलब जब आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है आपकी आंख पे एक एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंगल, या उसको बोलते हैं आप लोग अल्फा। ठीक है, अनएडिड आई के ऊपर बनने वाला एंगल। सर व्हाट इज बीटा? बीटा वो एंगल होता है जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ग्लासेस इस्तेमाल करके किसी शख्स को देख रहा हूँ, तो अब वो शख्स जो मेरी आंखों पे एंगल बनाएगा मुझे वो शख्स तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जो ग्लासेस हैं मुझे उस शख्स का इमेज दिखाएंगे। अब वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को मैं बोलूँगा बीटा, तो मुझे बीटा भी कैलकुलेट करना और अल्फा भी, दोनों को डिवाइड करके मुझे मैग्नीफिकेशन निकालनी है, बीटा को बोलते हैं इमेज एंगल। तो बच्चे अल्फा के लिए क्या करेंगे, अल्फा के लिए काम करें, अल्फा होता है ऑब्जेक्ट एंगल, अनएडिड आई के ऊपर बनने वाला एंगल, मतलब कोई लेंस या मिरर का इस्तेमाल नहीं करना आपने। अच्छा सर क्या करें, ये हमारी आँख है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान आप लोग देख सकते हैं, मैंने किसी किस्म की कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मैं अल्फा कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट एंगल। अब मुझे खुद बताएं आप कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं तो इसको कितने फासले पर एडजस्ट करेंगे? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर आपके पास होता है नियर पॉइंट, ये जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। ठीक हो गया सर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरी आंख पे एक एंगल बनाएगा, ये ब्लैक लाइन और ब्लू वाली लाइन के दरमियान देख सकते हैं एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंगल। एंगल के सामने वाली साइड को आप लोग मानते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल हमेशा बनाता है बेस के साथ, ये परपेंडिकुलर है ओ और ये बेस है डी, इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको बोलते हैं टैन थीटा। यहाँ पर एंगल अल्फा है तो आप लिखेंगे टैन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बच्चों ओ और बेस है डी, तो ओ ओवर डी आ गया टैन ऑफ अल्फा के बराबर। अब मुझे बीटा की कैलकुलेशन करनी है, बीटा की कैलकुलेशन के लिए आप काम करें, काम बच्चों ये करना है, ये जो है ना आपकी आंख है, फर्ज करें ये आपकी आंख है। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट को अपने फोकस के अंदर रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा, बीटा की कैलकुलेशन, बीटा होता है एडिड आई के ऊपर बनने वाला एंगल। बीटा तब होगा जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप आँख के आगे रख के देख रहे होंगे, मतलब सिंगल कन्वेक्स लेंस अपनी आँख के आगे रख के देख रहे होंगे, तब जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा। अच्छा, ये आपकी आँख, ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये यही वाली रे डायग्राम है। अब एक लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और लेंस में से बेंड होने के बाद वो फोकस में से गुजर जाएगी। एक और लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गुजर जाएगी, विदाउट एनी बेंडिंग गुजर जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेस मेरी आँख पर नहीं मिलेगी, तो मेरी आँख क्या करेगी, इसको बैक एक्सटेंड करेगी, और मेरी आँख को लगेगा कि रोशनी इस पॉइंट से आ रही है, और यहाँ पर मेरी आँख को लगेगा एक वर्चुअल इमेज बन रहा है जिसको बोलेगा आई। अब ये जो वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज, ये मेरी आँख पे एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को बोलते हैं बीटा, क्योंकि अब मेरी आँख को ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। इस केस में मेरी आँख को ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा था सर, क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि मेरी आँख ने अपने आगे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ था, तो ये डायरेक्टली इसको देख पा रही थी। अब इस केस में मेरी आँख ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरी आँख को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरी आँख को इमेज दिखाएगा। अच्छा, इमेज बनेगी। अब ये इमेज जो एंगल बनाएगी इस ब्लैक वाली लाइन के साथ, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं इमेज एंगल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस इमेज को क्लियर देखना चाहता हूँ, तो कितने फासले पर एडजस्ट करूँ इसको, जिस पर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, दैट इज़ डी 25 सेंटीमीटर। आप इसको 25 सेंटीमीटर के ऊपर एडजस्ट करेंगे। सर, ये इमेज है और ये लेंस है, इमेज से लेंस तक का फासला होता है क्यू, जिसको आप बोलते हो इमेज डिस्टेंस। इमेज से लेंस तक का फासला होता है क्यू, ये क्यू कितना रखना है सर हमने, डी के बराबर, डी मतलब सर 25 सेंटीमीटर, ताकि बिल्कुल शार्प इमेज बने। अच्छा, अब अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट करके आपको दिखाऊं, ये कुछ ऐसे बन रही है ट्राइंगल, यहाँ पर एंगल बन रहा है बीटा, ये क्यू है या जिसको आप डी बोल रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास है आई। मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट कर देता हूँ, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये आई है, ये क्यू है, और ये बीटा। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है बेस के साथ, इसके ऊपर दोबारा फिर आप अप्लाई करेंगे टैन बीटा। टैन किसके बराबर होगा सर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, आई ओवर डी, आई ओवर डी लिख लें या आई ओवर क्यू लिख लें, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये आ गया आपके पास टैन ऑफ बीटा। अगली बात बच्चों ये है कि अगर एंगल स्मॉल हो, मिसाल के तौर पे बच्चों, आपके पास एंगल है 0.1 रेडियन, एंगल का ऐसे यूनिट आपको पता है रेडियन होता है, कैलकुलेटर को आप रेडियन में शिफ्ट करें और टैन ऑफ 0.1 लें, तो वो आपको मिलेगा 0.099 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं 0.099 को 0.1 से कंपेयर करूं, तो मुझे पता चलेगा 0.099 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एंगल स्मॉल हो और उस एंगल का टैन ले लिया जाए, तो वो तकरीबन उसी एंगल के बराबर होगा। अगर एंगल स्मॉल हो और उस एंगल का टैन ले लिया जाए, तो वो तकरीबन उसी एंगल के बराबर होगा। टैन ऑफ अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा, टैन ऑफ बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, टैन ऑफ अल्फा तकरीबन अल्फा के बराबर होगा, टैन ऑफ बीटा तकरीबन बीटा के बराबर होगा। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जिसमें यहां था टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ओ ओवर डी, जो कि मैंने यहां लिखी हुई थी, और टैन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू आई ओवर डी, ये वाली। तो टैन ऑफ अल्फा की जगह पर सिर्फ अल्फा आ जाएगा, और टैन ऑफ बीटा की जगह पर सिर्फ बीटा आ जाएगा। तो बच्चों बीटा भी आ गया और आपके पास अल्फा भी आ गया। अब बीटा और अल्फा को आपने यहां पर पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखेंगे m इज इक्वल्स टू बीटा, व्हाट इज बीटा सर, आई ओवर डी डिवाइडेड बाय, ये डिवीन का सिंबल, डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा क्या है ओवर डी, तो यहाँ पर लिख दिया ओवर डी। डिवीन से जब मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, तो ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ओ ओवर डी है, तो डी ओवर ओ हो जाएगा, डी से डी बच्चों कैंसिल हो गया, एम बराबर आ गया आई ओवर ओ के। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, यानी आपने प्रोसीड किया था एंगुलर मैग्नीफिकेशन से, और हम किसकी शक्ल में पहुंच गए हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन की शक्ल में हमारा फॉर्मूला बन चुका है। एम इज इक्वल्स टू आई ओवर ओ,
ये बच्चों आप इसको क्यू ओवर पी भी लिख सकते हैं, जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स या साइजेस की रेशो होती है वही इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशो होती है। जबकि क्यू किसके बराबर है, यहाँ पर डी के बराबर है, क्यों यहाँ पर हमने लिखा था क्यू इज इक्वल्स टू डी, डी ओवर पी हो जाएगा। अच्छा जी सर, जबकि क्यू बराबर है डी और डी का मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हम एक ना इसका फाइनल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और वो फाइनल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूजिंग लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, 1/f = 1/p + 1/q होती है। अच्छा, चूंकि सर यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा था, इमेज रियल नहीं था, वर्चुअल था। वर्चुअल इमेज के केस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर में बताया था, वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है क्यू, उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है, मैं इसको माइनस क्यू लिखूंगा, ठीक है जी। तो ये 1/f = 1/p प्लस था ना, यहाँ पर माइनस क्यू आया सर, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ओके हो गया। अब बच्चों अपने काम करना है इस पूरी इक्वेशन को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी डी से मल्टीप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा। और आपको पता है डी और क्यू बराबर हैं, डी और क्यू बराबर हैं, ये चूंकि दोनों बराबर हैं, ऊपर भी 25 है तो नीचे भी 25 है, सेम वैल्यूज, जब डिवाइड होती है आंसर आता है 1। ये कैंसिल हो गया, बन गया 1, 1 को आप लेफ्ट पे ले जाएं, ये माइनस 1 उधर जाकर हो जाएगा आपके पास प्लस 1, माइनस 1 था ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस 1। जबकि डी ओवर पी क्या है सर, बच्चों डी ओवर पी मैग्निफिकेशन है, डी ओवर पी मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ पर डी ओवर पी की जगह मैग्निफिकेशन आ गया, साथ ही माइनस 1 था लेफ्ट पे जाकर प्लस 1 आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, m = 1 + d/f। एक यहाँ पर हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्ज करें आपको उसने कहा कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, सिंगल कन्वेक्स लेंस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी। बच्चों आप एक काम करेंगे, लिखेंगे 1 + d/f, डी होता है 25 और एफ कितना दिया उसने आपको 5, तो जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 1 = 6। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक सिंगल कन्वेक्स लेंस हो 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ होगी, उससे अगर हम लोग उसको अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मैग्निफिकेशन 6 times होगी। तो स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ये इस लेक्चर को दोबारा से प्ले करके अभी आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।